and is it is a collection of animal stories by Vikram Seth in the form of poetry. So Vikram Seth ने लिखे इस book को जिसमें poetry का use किया उन्होंने और जिसमें इन्होंने animal की stories को describe किया है. The the stories are from India, China, Greece and Ukraine. So ये जो stories हैं वो in सारी countries से हैं. And from what the author calls the land of Gup. So जो author हैं उन्होंने the land of Gup को जो है हर जगह जो है यूज किया है तो इससे भी रिलेटेड स्टोरीज इनकी बुक में आपको मिलेंगी नेक्स्ट इज अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय जूलियस वर्ल्ड इज अ स्टोरी अबाउट द थ्रिलिंग ट्रिप टू अर्थ सेंटर बाय अ जर्मन प्रोफेसर एक जर्मन प्रोफेसर है जो अर्थ के सेंटर में हाँ, जो भी उनका ट्रिप था जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस उन्होंने एक्सपीरियंस किया उन सबको उन्होंने अपनी बुक में लिखा है

जिसमें से एक है प्रॉस्पर एंड बो दूसरा है बो हु रन अवे टू वे इटली जो वेनिस, इटली भाग जाते हैं दे आर टेकन इन आर बाई ग्रुप ऑफ मिलते हैं उन ऑफ से मिलते हैं उन बच्चों से मिलते हैं उन ऑफ से मिलते हैं जो एक बहुत ही खराब हालत में एक मूवी थिएटर है जो है, जो खराब हो चुका है ऐसे मूवी थिएटर में वो अपना घर बना के रहते हैं नेक्स्ट इज लिटिल वुमेन बाई लुएसम एलकाट सो लुसा मे एल कॉट ने एक बुक लिखी जिसका नाम है लिटिल वुमेन इज द स्टोरी ऑफ फोर सिस्टर्स ये फोर सिस्टर्स की कहानी है जिसमें से एक है मैग जो बेथ है आमी ग्रोइंग अप इन देयर फैमिली होम इट इज अ अवल फॉर गर्ल्स तो वो अपने फैमिली घर में फैमिली के घर में रह रही हैं और ये जो नॉवल है ये स्पेशली गर्ल्स के लिए Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl is a story of a boy and his adventure inside the chocolate factory of the crazy candy maker Willy Wonka. So, Charlie and the Chocolate Factory एक book है जिसे Roald Dahl ने लिखी है। ये story है एक boy की जो अपने adventure पे जाता है एक chocolate factory में चला जाता है और जहाँ पे उसे मिलता है एक crazy candy maker जिसका नाम था Willy Wonka।